बदला जाएगा शिवसेना का एक उम्मीदवार एकनाथ शिंदे के खास का साफ संकेत, किसका कटेगा पत्ता। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने पिछले हफ्ते लोकसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की घोषणा की। इसमें शिंदे ने 7 सीटों पर मौजूद सांसदों को मौका दिया, इसलिए एक जगह नए चेहरे को मौका दिया गया। शिवसेना की ओर से घोषित 8 उम्मीदवारों में से एक को बदले जाने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि ये संकेत शिवसेना विधायक संजय सिरसाट ने दिया है। क्या बोले संजय सिरसाट? संजय सिरसाट ने कहा कि उम्मीदवार बदले जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई उम्मीदवार कमजोर महसूस करता है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उसे बदलने का अधिकार है। सिरसाट ने आगे कहा कि मराठवाड़ा या पश्चिम महाराष्ट्र से किसी उम्मीदवार को बदला जा सकता है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हिंगोली या हथकरंगले से उम्मीदवार को बदल दिया जाएगा, किसको दिया है टिकट। दरअसल शिवसेना ने रामटेक सुरक्षित सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजू परवे को टिकट दिया, जहां 19 अप्रैल को मतदान होगा। परवे हाल में शिवसेना में शामिल हुए थे। सीट पर मौजूदा सांसद शिवसेना के कृपाल तुमाने हैं। अन्य 7 नाम सभी मौजूदा सांसद राहुल चेवाले मुंबई दक्षिण मध्य, संजय मांडलिक कोल्हापुर, सदाशिव लोखंडे शिरडी, प्रताप राव यादव बुलढाणा, हेमंत पाटिल हिंगोली, श्रीरंग बारने मावल और धैर्यशील बाने हथकनंगले शामिल हैं। हिंगोली या हथकनंगले एमपी का पता काटें। हिंगोली से हेमंत पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी का बीजेपी ने विरोध किया है। हथकनंगले के सांसद धैर्यशील माने का नाम डेंजर जोन में था। बीजेपी ने सुझाव दिया था कि उन्हें उम्मीदवारी नहीं दी जानी चाहिए या उम्मीदवार बदल दिया जाना चाहिए, लेकिन शिंदे ने माने को एक और मौका दिया। 5 सांसदों को इंतजार करने से डड़बड़ा। एकनाथ शिंदे ने उत्तर पश्चिम मुंबई कल्याण यवतमाल वाशिम नासिक पालघर के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। पालघर से सांसद राजन गावित बीजेपी से चुनाव लड़ने को उत्सुक हैं। नासिक सीट पर बीजेपी एनसीपी समेत शिवसेना का दावा है, ये सीट एनसीपी के खाते में जा सकती है। मुख्यमंत्री शिंदे के चिरंजीव श्रीकांत शिंदे कल्याण से सांसद हैं, लेकिन अभी तक उनकी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की गई है। शिंदे दुविधा में हैं क्योंकि बीजेपी ने ठाणे और कल्याण पर दावा कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।